किचड़ किचड़ काम हो भाई, पंक यही जिंदगी है मेरी पिंकी, कर ले। ओह नो, और दूसरा काम नहीं बचा है तेरे पास। उठो, भात बनाओ, खिलाओ पिलाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर खाना पीना बनाओ, खाओ पियो और सो जाओ। नहीं बनता तो ज्यादा से ज्यादा क्या, खेत जाओ, बस यहीं तक की जिंदगी है तुम्हारी, कुछ नहीं है। गिचड़ गिचड़ काम है तुम्हारा, भी मैं करूंगी जब ही होगा। सनसना के टोंगरा बराबर ऊंचे हो गए हो, कर रही हूँ तो हो रहा है। और किस्मत फूटी थी मेरा तो ऐसा घर वाला मिला है मेरे को, एक से एक आते मेरे को लेने के लिए, हाओ ऐसे जगह पे दे दिए। अच्छा ओए पापा जी, अरे कभी कभी तो रोना आने लगता है, हाओ मेरी जिंदगी पे किसको पीर कहानी सुनाऊं भाई, किसी को भी नहीं सुना सकती ना, अकेले अकेले तो बड़बड़ाने से कुछ नहीं है मेरा। रहती अभी दिल्ली भोपाल में, गई यार यार। करती कुछ कुछ ले जाते तो अच्छा, इनके यही जिंदगी है, कहीं बाहर तो जा ही नहीं सकती तू। अच्छे घर में शादी कर लेती तो कम से कम सुकून से तो रहती, दुनिया भर का काम तो नहीं जमता तेरे को, ऐसा तो नहीं करना पड़ता। कहीं जाते हैं दिल्ली भोपाल इंदौर, अच्छा जबलपुर, तो एक से एक नाम नाम भी नहीं आता मेरे को मुंह पे, ऐसे ऐसे गांव। लेकिन तेरी जिंदगी यहाँ यही सड़े से गांव में थी, यहाँ करने के लिए आ गई। ओह नो, पति च पगत नहीं है तो क्या कर लेगी तू भी। किस्मत ही फूटी है भाई, कौन अच्छा का जिंदगी का। अकेले भी कैसे रोने, अकेले अकेले रहती है, कहेंगे नहीं तो आजू बाजू वाले जान दे वो। देवन किनको भी पड़ी नहीं रहती कि नहीं, जरा बहुत काम देख लो इधर उधर भाभी के साथ तो पूरा ससुर ही है मेरा। खास ले ना, मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते तुमको। ले वो खाना दे वाला। ओह नो, देखा और क्या हुआ इसको, तो क्या मालूम, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, मैं तो बिल्कुल 30 मार खान हूँ, मेरे को तो कोई बीमार। खाना दे का बहरी है क्या, निकाल के खा लो, हाथ पाँव नहीं है तुम्हारे क्या। ओह नो, अब काय का मुंद्रा आया तेरे को, आया है ना मुंद्रा बेहोश होने को, साला समझ में नहीं आते तेरे तो, अपने आप गुस्सा हो जाती है अपने आप, बताओ ना क्या शौक चढ़ जाता है ना मेरे को, इसलिए तो गुस्सा होती हूँ मैं। अरे तो ऐसा भी कोई शौक होता है गुस्सा करने वाला, ऐसा भी पति नहीं होना जो बीबी को ना समझे। अच्छा अब ये आप समझने वाली बात कहाँ से आ गई, इधर रागा मैं नहीं आती तुम्हारे पास जी। अरे तो खाना तो दे दे, हाथ पाँव नहीं है क्या, मोटे मोटे से हाथ पाँव दिए भगवान ने, जाके निकाल के खाओ ना। आज तो बड़ा ताव मार रही थी। अच्छा क्यों नहीं मारूंगी, मेरे को कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाते तो। अच्छा ये बात है, अरे तब उस दिन क्या कर लेता आदमी यार, गाड़ी घोड़े तो सब बंद ही। बस तुम ऐसे ही बोलते हो जी, गाड़ी घोड़ा कहीं के बंद हुए होंगे, वो साइड वाली लोग आई देख अपने पति के साथ साइन गांगुल पारा निकल ली घूमने के लिए। अच्छा अब मैं, मेरे लिए तो गाड़ी घोड़ा नहीं है, मैं तो घूम ही नहीं सकती गाड़ी घोड़ा। इतनी सी बात के लिए अब वो फर होते हैं, अपन नहीं हो सकते ना। इतनी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है समझ रहे, तुम्हारे लिए होगी थोड़ी सी बात ये। अच्छा अपन महाजन आदमी है, कहीं भी जाएंगे तो परिवार सहित जाएंगे कि नहीं जाएंगे। काहे के लिए परिवार सहित जाएंगे, हैं सोओगे भी तो साथ में सुलाओगे सबको, घर वालों को क्या। अरे तो बचपने में तो बाबूच ने सुलाया मेरे को, अब तो मैं आ गई हूँ, मेरे को ले जाओ ना इधर उधर। साली पूरी बांगो है, कोई सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कैसी बात करते, कुछ नहीं समझता भाई, कुछ नहीं समझता वो। अरे वैसा नहीं हो सकता ना, सब साथ में जाएंगे, फिर वो मेरे को बोलेंगे मैं तो गया, करो नहीं ले जाना ना तुमको कहीं मेरे को। अभी तक बोला क्या मैं नहीं ली जाता कहीं के, हर बार तो ले जाऊंगा कहता हूँ ना। कितने बार बोल दिए ले जाऊंगा करके, कितने बार ले जा लिया मेरे को घुमाने। अरे तो देख किसी कारण बस कैंसिल हो जाता है, अब इस बार पूरी तैयारी हो गई थी कि नहीं तू जो बता। मैंने सब्जी भाजी सब ला लिया था खरीद, हाँ ना माना तो मैनेज करी थी, मत ले जाओ मेरे को करके, मेरे को रहमान कीड़ा चाप रहे थे ना। अरे मोटी बुद्धि अब कैसे समझाओ तेरे को, मैं तो किस्मत फूटी थी मेरी, मैं तुमसे शादी कर ली, एक से एक आ रहे थे मेरे लिए रिश्ते समझ रहे हो। अच्छा कहाँ से हो, अरे इंदौर से, ऑपरेटर वाली नौकरी वाला आ रहा था मेरे को लेने के लिए क्या, और भोपाल से वो था क्या कहते हैं उसको पढ़ाने वाला मास्टर, ऐसी नौकरी वाले आए मेरे लिए, लेकिन मैं अरे इधर सुन,
लोग शादी जुड़ते तक और शादी होते तक एक दो महीना रहते हैं बाहर। अच्छा, उसके बाद सीधे इधर, कोई नौकरी फोकरी नहीं रहती, चुतिया बनाते हैं सब। रहने तो दो, तेरे को कैसे समझाऊं, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। लोग भगते साला हनीमून मनाने के लिए भगते हैं इधर उधर दुनिया भर के जगह में, तो जब कुन्नू मनाली तक नहीं गए घूमने के लिए। हाँ, यहाँ पास में छह जाएंगे ना, का इतनी बड़ी जिंदगी है, कभी भी चले जाएंगे, बुड्ढा बुड्ढी हो जाएंगे जब जाएंगे ना, जब ले जाओगे तो जब भाई तो सुख रहेगा, सुख भोगेंगे अपन। अभी करने लायक है तो अभी काम कर रहे हैं, बुढ़ापा आएगा तो फिर टानिया वहाँ घूमेंगे अपन। तुम नहीं लेके सकते जी मेरे को कहीं। हाँ मैं बता रही, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं तो सोच ही ली हूँ, मेरे को बस कछु नहीं, घर द्वार, मेरे देवर, मेरा पति, मेरा ससुर और मेरा खेत, बस मेरी जिंदगी में बस यही बच गए, बाकी और कुछ नहीं है। क्या सोच है रे तेरी रे, घर के लोगों के लिए कितना सोचती है तू। अच्छा, आज से तूने ये भी त्याग कर दे, क्यों पिकनिक विकनिक नहीं जाने का कर। फालतू बात मत करो, अच्छे विचार है। विचार अच्छे नहीं, पत्नी मिले तो ऐसी मिले कि अपने पति के खुशी के खातिर अपने सारे सुख दुख सब छोड़ देती है। इसको कहते हैं पतिव्रता नारी। छोड़ दी हूँ, समझ रहे हो, छोड़ दी हूँ, ये बोलो छोड़ दी देगी, ऐसा वैसा मत बोलो, छोड़ दी हूँ, क्या बची मेरी जिंदगी जी, जब से घर में आई हूँ क्या कर रही हूँ मैं, बता कब से छोड़ी अभी ये नए साल में। शाबाश, लोग गुटखा तंबाकू दारू छोड़ते हैं, तूने तो सारी चीजें छोड़ दी। या ऐसे हो ना घर वाली, ज्यादा पिचड़ पिचड़ मत करो, सौ बात की एक बात। हाँ। मेरे को वो लोग आई तो होके आ गई वहाँ गांगुल पारा से। अच्छा। लेकिन अब तुम मेरे को ले जाओगे गांगुल तेरे पारा, को कैसे मालूम गांगुल पारा गए थे कहीं के? अरे मैंने पूछ ली। अरे तो मैं भी, तू भी अगर कोई पूछे तो बता देना, हम तो कुल्लू मनाली गए थे। ऐसे थोड़ी दो तीन दिन तक घर से निकलना ही मत, लोगों को लगेगा कहाँ गई पिंकी, कहाँ गई, 24 घंटे तो घर में रहती थी, कहाँ गई। अच्छा, फिर तीन एक दिन बाद निकलना बता देना, गोवा गए थे तो कुल्लू मनाली गए थे। जबरदस्ती का बताऊं, इधर पेट में भात नहीं घुसा है, लेकिन बताऊं सबको कि मेरा पेट भर गया है। अच्छा बता रहे हो, अरे झूठ बोलने से कोई काम बनते हैं तो क्या ले जा रहे हो कि नहीं मेरे को कहाँ गांगुल पारा? अरे पर दोनों जन का नहीं जानता, बात मत करो, तुमसे बात ही नहीं करना है मेरे। किससे बात करेगी तो? मेरे को जिससे लगता है उससे करूंगी मैं, तुमको बता बता करूंगी क्या? अच्छा, हर पर तू इतने हाइपर काहे के लिए होती है? मैं यदि कहे तो वहाँ साला चुपचाप हूँ, जबरदस्ती का झगड़ा लड़ाई होएगा करके। अच्छा, मैं भी समझता हूँ तेरे को भी दुख हुआ होगा, पर अब क्या कर लेंगे, पति पत्नी है वही लड़ेंगे वही झगड़ेंगे, वही तो रहना है अपने को, रहना वही है, लेकिन घूमने तो बार बार नहीं जा सकते ना, ले जाओ ना अभी, अभी मेरा टाइम है तो। अच्छा, फिर कैसा होने वाला है तेरा टाइम? कैसे नहीं होगा, फिर देवर व्यवर की शादी करूंगी तो कम से कम घर भाई तो फ्री हो जाएगी, पूरी घर में करने वाले हो जाएंगे, तो अकाल तो लगा थोड़ी सी हो। वो आएगी तो उसको पहुंचाऊंगी कि मैं जाऊंगी घूमने के लिए जी, फिर दोनों जन चलेंगे ना। हाँ। छोड़ के जाऊंगी नए नए बहु बेटन को यहाँ पे। अच्छा बता रहे हो, तो क्या उनको पास में बैठा के रखेगी क्या? अरे तो उसके दिन आ जाएंगे ना, फिर वो जाएगा ना लेके उसकी लोगाई को, मैं करवाऊंगी ना खुश, तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे को खुशी नहीं मिली उतनी खुशी दिलाऊंगी उसको जब भी आएगी। अरे अपने को भी मिलेगी ना, वो फालतू की बात करती है और फालतू टेंशन लेके जी रही है। तुम्हारी और मेरी एक ही बात में बनेगी कि मेरे को तुम गांगुल पारा घुमाने के लिए जाओगे, बस बात खुदी खत्म। कब है? ले जाओगे कि नहीं पहले बताओ। अरे तो कब? अरे कल ले जाओ, चाहे अब भी चले जाओ मेरे को। अरे अभी पानी कम हो गया है, वो बरसात में सही भरता है। अरे बेस पानी कम हो गया, मैं ऐसे सूखे पहाड़न को देख लूंगी, सूखी धरती को देख लूंगी, मगर मेरे को घुमाने ले जाओ। अरे परवा, मजा नहीं आएगा ना यार। तुम मजे का छोड़ो ना, मैं कर लूंगी ना मजा वहाँ, तुम रहोगे मेरे साथ में, तुम्हें मजा आएगा बहुत। अच्छा ठीक है ले जाऊंगा, पर अभी तू टेंशन मत ले भाई, मेरे को खाना दे। स्टेटस डाली थी उसने, है वही गई थी वो, एक एक नंबर के पति के साथ बिल्कुल ऐसे चिपक के, ऐसे फोटो खिंचाई, कहीं ऐसे कमर निकाल के, कहीं दांत भिगी जाके सनासन फोटो डाल रहे, मेरा जान नहीं चलता होगा कि देख के बताओ ना तुम। यहीं खींच लेते ना अपन भी, तेरे को स्टेटस की है ना, अभी रुक तो देखना, मैं फोड़ दूंगी मोबाइल, अब भी बता रही हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो तुम, महंगा है वा पागल जैसे, समझते नहीं है मेरी बात कच्चू, ले 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 फोड़ दूंगी लात मार के फोन को, हाँ रख दो अपने जेब में, ले ले। ओह नो, तुम ले जा रहे हो कि नहीं मेरे को? मेरे को नहीं खिंचाना फोटो वोटो, तुम ले आना, मस्त आ रहा है बैकग्राउंड पीछे का माइल, वो क्या स्मार्ट दिख रही है तू, देख देख अरे मोबाइल को देखो, मैं ओह नो रखो।
दाढ़ी गांड की फोन इसमें मेरे को फोटो तो नहीं खिंचा, मेरे को जाना भाई समझा रहा हूँ तो समझ नहीं रही है।